तो अब देखो दोस्तों, आप इन द मनी की प्राइस आपको मात्र मिल रही है 2882 रुपए, मात्र 2882 रुपए में। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। दोस्तों हम मात्र ना ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, हम ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग के पैसे ना बिल्कुल ऑप्शन बाइंग से ना बहुत ही ज़्यादा अलग होंगे। तो आज हम मात्र इधर ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। दोस्तों अभी आपको पता होगा कि आपको यही चीज़ पता होगी कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए तकरीबन 5000 रुपये चाहिए, लेकिन आज इसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी बंदा हमारे चैनल पर नया है ना, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि आपके चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग की बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है। ये देखो यहाँ पर कितनी क्लासेज आ चुकी हैं, आप देखो यहाँ पे इतनी क्लासेज आ चुकी हैं यहाँ पे देखो। और अभी हमारी जो क्लास 7 है, इसके बाद में ये क्लास 7 है, और इसके बाद में क्लास 8 जो अभी जो बन रही है वो हमारी क्लास चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो जो बंदा नया है तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि निफ्टी 50 के अंदर 50 लॉट होते हैं, वहीं पर निफ्टी बैंक के अंदर 15 लॉट होते हैं, वहीं पर सेंसेक्स के अंदर मात्र 10 लॉट होते हैं। तो इन 50 लॉट का मतलब आप समझ लो कि ये 50 शेयर है, ये 50 शेयर है, और 15 लॉट का मतलब आप समझ लो कि ये 15 शेयर है, और 10 लॉट का समझ लो कि ये 10 शेयर है। तो सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि एक स्टॉक है HDFC मान लो, और HDFC की प्राइस 10 रुपये पर मैंने एक स्टॉक खरीद लिया, मैंने एक स्टॉक 10 रुपये की प्राइस पर खरीद लिया, तो जब इसकी प्राइस ना 10 रुपये से जाके 12 रुपये हो जाएगी, तो ये कितना रुपये बढ़ा, ये 2 रुपये बढ़ा, तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, मुझे प्लस में 2 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब शेयर्स में ये ही कहानी चल रही है तो वही कहानी इसमें चलेगी। अगर प्रीमियम यहाँ पर 1 रुपये इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर निफ्टी में आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। दोस्तों ट्रेडिंग में कितने पैसे लगेंगे उससे पहले आपको ये बेसिक नॉलेज लेके चलनी पड़ेगी, उसी के बाद में आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। वहीं पर 15 शेयर्स में आपको प्रॉफिट होगा 15 रुपये का, वहीं पर आपको 10 शेयर में प्रीमियम 1 रुपये बढ़ने पर आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों ये प्रॉफिट की बात इधर इतनी है ना, तो वो ही लॉस की बात भी इतनी ही होगी। तो जैसे अपने को अगर प्रीमियम यहाँ पर निफ्टी 50 का अगर 60 रुपये का चल रहा ना, तो 60 रुपये का प्रीमियम, तो वहीं पर 50 लॉट से आप गुणा कर दो, तो वहीं पर आपको 3000 रुपये इसके अंदर देने पड़ेंगे। लेकिन आप सबको पता होगा कि आपको ना ओनली ऑन इन द मनी ही आपको ऑप्शन लेना चाहिए, आपको ये चीज़ सिखाई गई है। लेकिन मैं इन द मनी नहीं लेता हूँ, मैं हमेशा से एट द मनी लेता हूँ। ये मैं एक वीडियो में बताऊँगा कि मैं एट द मनी क्यों लेता हूँ। और दोस्तों इससे अगली क्लास जो आएगी ना, वो आएगी कि आपको निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स और फिर निफ्टी, इन चारों पांचों जितनी भी हमारी इंडेक्स है, मिड कैप भी है, तो उन सब इंडेक्स में से ना आपको किस में ट्रेडिंग करनी चाहिए, इससे नेक्स्ट अगली क्लास ना आपकी इसी के ऊपर आएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं चलो आपको बताता हूँ कि निफ्टी 50 में आपको इन द मनी का ऑप्शन लेने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। तो यहाँ पर अभी निफ्टी की प्राइस कितनी चल रही है जी, अभी निफ्टी की प्राइस चल रही है 19,443 रुपये। तो मैंने निफ्टी पे क्लिक करा, मैंने ये निकाला ऑप्शन चेन, तो देखो दोस्तों 19,443 तो यहाँ पर चल रही है। तो मैं इसका इन द मनी क्या करूँ, 90 रुपये का, तो मैं 90 रुपये का इन द मनी पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक करता हूँ। तो आपको यहाँ पर कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, यहाँ पर 4,717 रुपये में आपकी यहाँ पर एक लॉट आ रहा है, एक लॉट आपका 4,717, मतलब आप निफ्टी में 4,717 रुपये में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अप्रोक्स इसको जैसे जैसे फ्राइडे आएगा, फ्राइडे में ये प्रीमियम आपको 6K से 7K में हो जाएंगे, तब आपको ये 6K से 7K में मिलेगा। तो जो एवरेज होगा ना, एवरेज निफ्टी का, एवरेज निफ्टी में आपको 8,000 रुपये में आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। किसी भी दिन आप 8,000 रुपये में एवरेज निफ्टी 50 के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वहीं पर दोस्तों अगर मैं इधर इसकी स्टोरी निकालता हूँ, मैं निफ्टी बैंक, तो मैंने ये निफ्टी बैंक पर क्लिक करा, और निफ्टी बैंक
इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये मैंने निफ्टी बैंक पर क्लिक करा और इसका ये मैंने चार्ट निकाल दिया, तो ये चल रहा है 43,891 रुपये का। तो मैं इसकी ऑप्शन चेन निकालता हूँ, तो ये हमने खोली ऑप्शन चेन, 43,891 रुपये यहाँ पे चल रहे हैं, तो इसका इंडेक्स मनी ये हो गया। तो मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ कि ये मुझे कितने में मिल रहा है, तो मैंने बाय पर क्लिक करा, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे मात्र 2,943 रुपये में ये लोट पड़ रहा है। तो एवरेज इसका आप निकालोगे ना, तो यहाँ पर वही 3,500 रुपये में आप किसी भी डे में ट्रेडिंग कर सकते हो, इसको निकाल देने एक जीरो को। तो आप अगर निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो अलग पैसे देने पड़ रहे हैं इंडा मनी के, और यहाँ पर अलग देने पड़ रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 15 ही लोट है, तो उस लोट की वजह से इन प्राइजेस में इतना फर्क आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ सेंसेक्स में, तो ये मैंने सेंसेक्स पर क्लिक करा, ये मैंने इसका चार्ट निकाला, तो यहाँ पर प्राइस चल रही है 64,933 रुपये। तो मैंने ऑप्शन चेंज निकाली यहाँ पर, तो 64,933 रुपये यहाँ पर, तो इंडा मनी हो गया 335 रुपये। तो यहाँ पर अपन ने क्लिक करा, बाय पे क्लिक करा, तो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है 3,444। वही यहाँ पर आप मान लो 4,500 में आप आराम से सेंसेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं कुल मिला के आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने तीनों में देखा, तीन कौन कौन से ऐप, एक तो अपन ने देखा है निफ्टी 50 में, ठीक है जी, एक अपन ने देखा है निफ्टी बैंक के अंदर, और एक अपन ने देखा है सेंसेक्स के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर निफ्टी में ट्रेडिंग करोगे ना, तो वो किसी भी वार में कर लो तकरीबन 8K के अंदर आराम से हो जाएगी, वहीं पर निफ्टी बैंक के अंदर ये मान लो वही 4K के अंदर हो जाएगी, और वहीं इधर मान लो 4.5K के अंदर किसी भी दिन कर लो ट्रेडिंग, आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बस इतनी सी बात एक बोलना चाहता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग किसी भी दिन कर लो, आपको अकाउंट में तकरीबन 10,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये आपको ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए। तो कुल मिला के बात यही आएगी कि 10,000 रुपये के अंदर आप किसी भी दिन किसी भी वार के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इससे अगली क्लास आएगी आपकी कि आपको निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए, या आपको निफ्टी बैंक के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए, या आपको सेंसेक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए, या आपको फिन निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों हमें ये चीज़ तो पता चल गई है कि हमको 10,000 रुपये के अंदर हम किसी भी स्टॉक इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको इन 4-5-6 जो भी हमारे इंडेक्स है ना, उनमें से किस इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, उससे अगली क्लास में हम ये चीज़ समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।